कल्याण हो, कल्याण हो मेरे पुत्र। आज दोनों भाई को मुनि के हाथों में मैं सौंप रहा हूं। मुनिवर कह रहा है, मैं दोनों पुत्र को मैं आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूं। जो कुछ गलती करें क्षमा करें। हे राजा, आप चिंता न करें, मैं इस समय इस अयोध्या से धो लेकर के जा रहा हूं। लेकिन जिस समय मैं लौटा करके लाऊंगा तो चार लाऊंगा, आप चिंता न करें। आनंद रहे। शोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभो चले गुरुदेव, आप मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आऊं। गुरुदेव गुरुवर आज्ञा दीजिए, माता से मिलने जाऊंगा, जिसके कृपा से नाथ मैं जो नाम बलि हो जाऊंगा। विश्व कल्याण करने के लिए जैसे सोचा है आपने, जननी जगत की शक्ति है जानते हैं आपने। फिर यज्ञ की रक्षा करूंगा, जननी की आशीर्वाद से रघुवंश का डंका बजेगा बक्सर में मुनि के प्यार से। गुरुदेव आप हर्षपूर्वक मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आऊ। गुरुदेव प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप देखे कि राज दरबार में कितना मैंने बाघ युद्ध किया। तब महाराज दशरथ जी आप दोनों भाई को मेरे साथ किए। अब आप कह रहे हैं कि मैं महल में जाऊंगा माता जी से आशीर्वाद देने के लिए। यदि माता जी वहाँ महल में रोक लेंगी तो मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? गुरुदेव इसके लिए आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिए। अगर पिताजी मुझे आदेश दे चुके हैं तो मेरी माता कभी भी नहीं रोक सकती। इसलिए आप हर्षपूर्वक मुझे आदेश दीजिए। क्या माताजी नहीं रोक सकती है? नहीं गुरुदेव। तो जाए आप माताजी से आशीर्वाद लेकर के और आज्ञा लेकर के पुनः जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए आप दोनों भाई। राम, तुम दोनों भाई इतने सवेरे सवेरे कंधे पे धनुष बांध धारण करके कहां जा रहे हो मेरे लाल? माता, इस समय हम दोनों भाई बक्सर जा रहे हैं। आप हर्षपूर्वक मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके ही आशीष से उस जग की रक्षा कर सकूं। माता राम, तुम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हो। यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो मैं उनके वचन को मिथ्या नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा भली भांति से करना और अति शीघ्र मेरे पास आ जाना। हाँ माता, अवश्य आ जाऊंगा। राम, दुख तो इतनी सी बात की है, तुम दोनों भाई तो जा रहे हो लेकिन मैं तुम दोनों के बिना कैसे रह पाऊंगी। जल्दी आ जाना मेरे लल्ला। हाँ माता, मैं अवश्य आ जाऊंगा। पुत्र, जाने से पहले थोड़ा आरती कर लेने दो। आपकी जैसी आज्ञा हो। तुम
तो चले मुनि संग लला, आरती किसकी उतारूंगी मैं। तुम तो चले मुनि संग लला, आरती किसकी उतारूंगी मैं, आरती किसकी उतारूंगी मैं, भोग में किसकी लगाऊंगी मैं, आरती किसकी उतारूंगी मैं, भोग में किसकी लगाऊंगी मैं। तुम तो चले मुनि संग लला, दोनों भाई के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा साथ रहेंगे। प्रभु अब यहाँ से चलने के लिए दो मार्ग हैं। आप किस मार्ग से चलेंगे? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरुदेव इन दोनों मार्ग में भेद क्या है? प्रभु एक तो तीन पहर की है और एक तीन जाम की है। जो तीन जाम की राह है उसमें एक तारका नाम की राक्षसी रहती है, जो मुनि महात्मा को देखते ही वो भक्षण करने के लिए दौड़ती है। अब आप कहे कि कैसे किस मार्ग से जाएंगे? चलिए डर और त्याग प्रभु, तीन याम की राह सुख से आश्रम पहुंचकर कीजिए जग उत्साह। हम है बालक छत्री कुल का, लेत न भय का नाम, वीर देख धनु तीर ले कृत मुदित संग्राम। गुरुदेव आप मुझे तीन याम की राह चलिए, न मुझे किसी निशाचर का डर है न किसी निशाचरी का। आप मुझे गुरुदेव तीन याम की राह ले चलिए। लेकिन मुझे तो बड़ा ही डर हो रहा है प्रभु, क्योंकि वो जब ही मुझे देखेगी वो भक्षण करने के लिए दौड़ेगी। गुरुदेव आप निर्भय होकर चलिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। जिस रास्ते में वो घोर निशाचरनी तारका रहा करती है गुरुदेव, उसी रास्ते से ले चलिए। नहीं मुझे कोई निश्चर का भय है, नहीं तो कोई निशाचरनी का। चलिए गुरुदेव। ठीक है प्रभु, तो एक काम कीजिए, आप आगे रहिए, मैं बीच में रहूंगा और पीछे पीछे आप धनुष बाण लेकर के रहिए। चलिए ठीक है गुरुदेव। हे चले जा दमुन दीन दिखाए, सुन तारिका क्रोध कर धाए। हे गुरुदेव मैं यहां एक अजीब सा देख रहा हूं। गुरुदेव इस बड़े बड़े चट्टानों पर बड़े बड़े पैर का निशान देख रहा हूं। गुरुदेव ये पैरों का निशान किसका है? गुरुदेव हे प्रभु ये लंबे लंबे पांव का निशान,
ये पत्थर के चट्टान पर जो आप देख रहे हैं उसी तारका राक्षसी की है। ये देखिए प्रभु, ये चट्टान पर सोई हुई है, जल्दी से समाप्त करे। देखो रघुनाथ, देखो रघुनाथ, ये तारका पिचासीन है। बहुत से मुनिनगण को यही धर खाई है। कज्जल पहाड़ सन विकट विशाल बेस, दसन कराल देख रोम उठ धाई है। पापनी सुकेत की ये सुताए, दया धर्म नाई देव मुनि दुखदाई है। अरे देखन में आवत सुखात गात, जाय मारो धाव ना तो निकट तुलाई है। प्रभु विलंब न करे, अति शीघ्र से समाप्त करे। गुरुदेव क्षमा करे, ये तो एक नारी है और मैं रघुवंशी क्षत्रिय, हमारे वंश में सदा ऐसा नियम चला रहा है कि गौ बालक ब्राह्मण और नारी इन सबों पर वीरता नहीं दिखाया जाता है। गुरुदेव इसे मारने में तो मुझे पाप लगेगा, गुरुदेव क्षमा करे। नहीं राम, हमारी आज्ञा है आप इसे मारे, यदि पाप होगा तो पाप का भागी मैं बनूंगा, यदि पुण्य होगा तो पुण्य के भागी आप बनेंगे। इसलिए मैं आज्ञा दे रहा हूं कि आप जल्द से जल्द मारे। गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा हो। गुरुदेव परंतु ये सो रही है, सोए हुए पर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये जाग जाएगी तो मुझे खा जाएगी। मैं धनुष के टंकार से पहले जगाता हूँ, फिर इनकी जन्मलीला मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव ठीक है, थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये भक्षण कर जाएगी। गुरुदेव ये तो मर गई है, मरे हुए को मारने से क्या लाभ। गुरुदेव प्रभु ये कह रही थी क्या कि बड़का के खाऊं कि छोटका के खाऊं, अब बुढ़वा को चटनी बनाऊं, इसीलिए ये मर गई है तो दो चार बाणी से मार देता हूँ। हाय या मंत्र प्रभाव परो, कछु याही में गुण श्री रघुवीरा,
लागे न छुधा त्रिषा कभू पुन होई महाबल तेज शरीरा। शंकर से हम मंत्र लियो और जान के दे तुम्हें रघुवीरा। लीजिए इन्हें बस नायक जी हरो महिमंडल भार गंभीरा। इस बाण के जरिए इस पृथ्वी पर जितने भी निश्चर हैं सबों को आप नाश करें।